हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ वेदांता के स्टॉक के बारे में, क्योंकि कल के सेशन में मैंने इस स्टॉक पे वीडियो बनाई जहाँ पे स्टॉक अराउंड 12% वीक था। मैंने वीडियो में आप सभी के साथ कहा स्टॉक में ब्रेकडाउन हुआ आया है एंड और गिरावट, फर्दर गिरावट आप सभी को देखने को मिल सकती है अराउंड 315 टू 320 तक। उस टाइम स्टॉक अराउंड 336 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। स्टॉक में मैंने आप सभी के साथ एक छोटा सा वर्ड बोला कि स्टॉक क्यों गिर रहा है मेरे समझ में नहीं आ रही है, हालांकि कोई खबर नहीं है। एंड उसके बाद मेरे व्यूअर्स के काफी सारे कमेंट्स आए, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया पे हैं, ज्यादा स्टॉक मार्केट में एक्टिव रहते हैं, उन लोगों के कमेंट्स आए कि यहाँ पे भाई न्यूज है, आपको नहीं पता है, जो न्यूज है वो स्टॉक प्लान की इनकी एक सेलिंग हो रही है, ये न्यूज है, इसी के चलते स्टॉक गिर रहा है। वो चीज मुझे भी पता थी, बट आप एक चीज बताइए, कोई पॉजिटिव चीज के चलते स्टॉक गिर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं गिर सकता। अगर कोई पॉजिटिव चीज है उसके बाद स्टॉक नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है, वो भी इतना बड़ा। अब आप कहोगे पॉजिटिव क्या है इसमें, तो मैं आपको ये जो इनका जो ये प्लांट सेल हुआ है तमिलनाडु का, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देना पसंद करूंगा। एंड उसके बाद वेदांता के स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि ये स्टॉक इन लेवल्स पे क्या खरीदना चाहिए या नहीं। देखिए, स्टॉक में आप सभी को आज की मार्केट की तेजी में भी ऊपर आता हुआ नहीं दिख रहा है, डे लो पे ही ट्रेड कर रहा है एंड रिकवरी आई है। मुझे लगता है ऊपर आना चाहिए स्टॉक, क्योंकि पूरा मेटल स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर आ रहा है मेटल पैक, बट वेदांता अभी भी नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। 440 का 52 वीक आई है, जिसके सामने स्टॉक 230 पे अभी ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट आधे लेवल्स पे रह गया एंड 227 का आज का लो है। चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, एक एक करके आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए तो प्लीज यार इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी कोई क्वेरी है किसी स्टॉक से लेकर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। वेदांता के बारे में आप सभी के साथ सबसे पहले क्लियर कर दूं, ये जो प्लांट की सेलिंग है ये क्या मसला, पूरा क्या मैटर क्या है। देखिए, तमिलनाडु का एक प्लांट है इनका, जो कि अराउंड कॉपर प्लांट है, जहां पे 400,000 टन का कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होता है, तो काफी बड़ा प्रोडक्शन था एंड हाईली प्रोडक्शन प्लांट था ये इनका। उसके बाद उस स्टॉक की कहीं ना कहीं इनमें बिडर लग रहे हैं एंड बेचने की प्लानिंग चल रही है कंपनी का एंड बिका है। तो इस खबर के बाद स्टॉक कल आपको लगभग 15-17% इंट्राडे में टूटता हुआ दिखा, हालांकि ऊपर आके बंद हुआ, हल्का फुल्का रिकवरी भी देखने को मिली। ये प्लांट मैंने आपके साथ जैसा कि वीडियो में कहा कि बिकना एक पॉजिटिव है, ऐसा क्यों, आप सभी को मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। इन 2018 में इस प्लांट पे जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित करने के चलते इस प्लांट पे रोक लगा दी गई थी, इस प्लांट को शट डाउन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। एंड 2018 से ये प्लांट बंद था, इसके चलते कंपनी के एबिटा में पर ईयर $1.2 बिलियन का लॉस आ रहा था। अब आप बताइए, कोई चीज जो आपको आपके पास ऐसा एसेट क्लास है एंड वो आपको पर ईयर एक लॉस दे रही है, वो भी हैवी लॉस, एंड उसके बाद वो आप लोग बेचना चाहते हो और बिक रहा है, तो वो आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव? देखिए, बिकेगा, पैसा हाथ में आएगा, आपका जो लॉस हो रहा है वो लॉस बचेगा एंड जो पैसा हाथ में आएगा उससे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी अच्छी तरीके से। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव था, लेकिन स्टॉक नेगेटिव रिएक्शन देता हुआ दिखा। अब बात करें तो क्या क्या आपको समझ में आया, प्लांट क्यों सेल हो रहा है, क्योंकि वो बंद पड़ा था एंड प्रोडक्शन तो अच्छा है लेकिन बंद पड़ा था एंड उससे $1.2 बिलियन का पर ईयर का लॉस आ रहा था कंपनी को एंड एबिटा पे कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ रहा था। अब वो सेल होने के बाद क्या हो सकता है, अभी वो तो देखने वाली बात। अब वेदांता के स्टॉक के बारे में बात करें, जो इसमें नेगेटिव रिएक्शन आया स्टॉक में, मैंने आप सभी के साथ एक चीज शेयर करी थी थोड़े दिन पहले, स्टॉक वन साइडेड गिर रहा है, पूरे मेटल पैक गिर रहा है, बट ये जो स्टॉक कुछ ज्यादा तेज गिर रहे हैं इनमें मुझे लगता है कुछ फ्यूचर डिस्काउंट हो रहा है। वेदांता के सामने यही चीज निकल के आई है। अब इन लेवल्स पे क्या ये स्टॉक बेच देना चाहिए, इस स्टॉक में एक काफी खराब चीज है, वो इसके सारे के सारे इक्विटी शेयर्स प्लेज रखे हैं। अदरवाइज वो चीज छोड़े तो आप सारा पूरा स्टॉक देखें, इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स तो आपको देखने को मिलेगा काफी शानदार है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, मैंने आप सभी के साथ थोड़े दिन पहले एक वीडियो शेयर करी थी जहां पे मैंने आप सभी के साथ एक चीज शेयर करी थी कि जो ईवी प्ले है, ईवी बैटरीज में एक जो धातु होता है वो प्रयोग होता है, जिसका वेदांता प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला है, 3,000 से 4,000 टन का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा और जो अप्रैल से इनका प्लांट स्टार्ट कर चुका है, तो ये आने वाले टाइम के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा इस
स्टॉक के लिए। अब इन लेवल्स पे ये स्टॉक अगर आपकी पोर्टफोलियो है तो आपके कौन से लेवल्स ध्यान रखने चाहिए इसके बारे में बात करता हूं। 230 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक साल के लोअर लेवल्स पे आ चुका है, 52 वीक लो लगाता हुआ दिखा आपको कल के सेशन में ये स्टॉक। एंड स्टॉक के सपोर्ट की बात करें तो अराउंड 215-200 रुपीज के पास अब नेक्स्ट बड़े सपोर्ट है। स्टॉक में लगभग 100-90 रुपए से वन साइडेड तेजी देखिए, हायर हाई लगते गए हैं। स्टॉक 430 रुपए तक वन साइडेड भागा, गिरावट बहुत बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है। कहां तक गिरेगा स्टॉक, मुझे 215-200 रुपए इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। एंड इसके लिए आपको ऊपर में जो लेवल्स है वो जो शॉर्ट कवरिंग और बाउंस बैक भी आप जिसे कह सकते हैं वो बात करें उसकी भी मिनिमम, तो ये स्टॉक लगभग आपको 250-260 तक आता हुआ दिख सकता है। 270 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो स्टॉक में चार्ट पे रिवर्सल के संकेत आ जाएंगे, जहां पहला टारगेट 290 का होगा और दूसरा टारगेट 300 रुपए का होगा। तो 260-250 तक स्टॉक जाने की दम रखता है अगर 215 के एसएल से होल्ड करता है 215 के सपोर्ट को। तो सेकंड थिंग, अभी क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं आप। 230 पे स्टॉक को बाय करिए, 227 का आज का लो, 225 का एसएल रखिए, ट्रेडिंग व्यू दे रहा हूं मैं आपको, 225 का एसएल रखिए, 235-240 के टारगेट्स होंगे आपके लिए। तो ये मेरा पूरा व्यू है वेदांता के स्टॉक के, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई इसमें बाइंग करना चाहता है तो वो अभी इस स्टॉक को अवॉइड करे, आपके पास अदर अपॉर्चुनिटीज है लाइक हिंडालको एंड टाटा स्टील, ये स्टॉक अच्छे लग रहे हैं बैलेंस शीट के हिसाब से, वे फाइनेंशियल्स के हिसाब से। तो ये मेरी वीडियो वेदांता के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आएगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।